दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ Realme की न्यू अपकमिंग सीरीज के एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है दोस्तों Realme 10 Pro Plus 5G और ये Realme 9 Pro Plus 5G का सक्सेसर होगा। बेसिकली दोस्तों Realme 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए थे जो कि उस प्राइस पॉइंट पर किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिले थे, लाइक 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 लेंस के साथ कैमरा सेटअप और साथ में OIS का सपोर्ट भी दिया गया था। इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर हार्ट रेट सेंसर भी दिया गया था, जहाँ से आप अपने हार्ट को मॉनिटरिंग कर सकते। तो ये दो फीचर्स ऐसे ऑफर किए गए थे जो कि आपको उस प्राइस पॉइंट पर किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो अपकमिंग Realme 10 Pro सीरीज होगी उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही फीचर्स ऑफर होने वाले हैं जो कि उस प्राइस पॉइंट पर आई थिंक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस सीरीज के टॉप वेरियंट Realme 10 Pro Plus 5G के बारे में। एक्चुअल में दोस्तों इस फोन के फीचर्स लीक हो चुके हैं जो कि मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में भी बताऊंगा। तो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट गाइस यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन सीरीज सिमिलर रहने वाली है Realme GT Neo 3 स्मार्टफोन से, जिस तरह Realme GT 2 स्मार्टफोन से सिमिलर थी Realme की 9 सीरीज, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है Realme की तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर रियर साइड में ग्लास ऑफर किया जाएगा विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5, साथ में ग्लॉसी फिनिश के साथ ये आएगा। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास होंगे, LED फ्लैश होगी और Realme की ब्रांडिंग दी जाएगी। दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा विद इनसाइड पंचोल और ये 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है और इसमें कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। तो गाइस डिस्प्ले और डिजाइन में काफ़ी अपग्रेड किया जाएगा प्रीवियस स्मार्टफोन सीरीज से। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कि इस फोन का सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर है। इस फोन में दोस्तों MediaTek Dimensity 8100 5G फ्लेक्सिबल ग्रेड का परफॉर्मेंस दिया जाएगा, जो कि MediaTek ने अभी रिवील किया था और ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। आपको फ्लेक्सिबल ग्रेड की परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाली है, सिर्फ 5 nm पर बेस्ड है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है, तो नो डाउट गेमिंग जबरदस्त होगी। बाकी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 होगा, जो कि Realme UI 3.0 पर ये बेस्ड होगा। ये दोस्तों 2.85 GHz पर क्लॉक्ड है, ऑक्टा कोर का चिपसेट है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा की। तो गाइस इसमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरास होंगे, प्राइमरी लेंस निकल के आ रहा है कि वही आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया जाएगा सोनी IMX766 लेंस के साथ, जिसमें OIS का सपोर्ट भी होने वाला है। तो अब की बार कैमरा की क्वालिटी बेस्ट होने वाली है एज कम्पेयर टू 9 प्रो प्लस 5G। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। इसमें दोस्तों सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि दोस्तों 120 वॉट के अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। बॉक्स में भी आपको चार्जर देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों इसमें टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5 mm का जैक होगा, फेस अनलॉक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए जाएंगे। तो गाइस ये थे 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के फीचर्स जो कि निकल के आ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 25,000। जी हाँ, लगभग 25,000 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आपको थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 में मिलेगा, मतलब दोस्तों इस साल के मिड तक आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।